मैं हूं आपका दोस्त एटेक, और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप के बारे में, जिसके थ्रू आप बहुत अपने इंपॉर्टेंट जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या आपकी साइट्स हैं जो आप डेली बेसिस पे देखते हैं, जिनको आप सर्च करते हैं, उनको आप यूज़ कर सकें। मोस्टली हमारे पास डिफरेंट ऐप्स अवेलेबल होती हैं, जिस तरह इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया, जिनको हम डेली बेसिस पे ओपन करते हैं, और डिफरेंट ऐप्स होती हैं, इनको हम डेली बेसिस पे ओपन करके देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जिनकी आपको ऐप्स अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से आपको वो बार बार किसी ब्राउज़र पे जाके उनको ओपन करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है। अब मैं आपको एक ऐप बताऊंगा जिसका नाम है शॉर्टले। इसके थ्रू आप एक आइकन डेवलप कर सकते हैं, जिस तरह आपको ये बाकी ये शॉर्टले का आइकन मिल रहा है, नीचे डिफरेंट आइकन आपको नज़र आ रहे हैं। इसके लिए आपको जस्ट अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाना है। क्रोम ब्राउज़र पर आप जाके कोई भी एक सर्च कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपके सामने यहाँ पर एक साइट मेरे पास पहले से ओपन है। अब इस साइट का मेरे पास ऐप अवेलेबल नहीं है। अब इसको अगर मैं ओपन करना चाहता हूँ या देखना चाहता हूँ बार बार, तो मुझे यहाँ पे दोबारा क्रोम पे आना पड़ेगा, इसको अपने बुक मार्क्स में सेव करना पड़ेगा, और फिर मैं इसको देख सकता हूँ। लेकिन इसका शॉर्ट में ये है कि आप यहाँ पे तीन बटन्स आपको शो हो रहे हैं, आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन शो हो रहा होगा। अब इसको शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करें, यहाँ पर आपको डिफरेंट फॉर्मेट शो हो रहे होंगे कि आप इसको किस तरह सेव करना चाहते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे एक पिन टू होम का ऑप्शन शो हो रहा है, आपने इसको जस्ट क्लिक करना है। पिन टू होम, यहाँ पे आपको ऊपर एक पोनी क्रोम का नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे इसको टैग दे सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे क्रोम का टैग है। मैं इसको यहाँ पे कुछ भी टैग्स देख सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे आइकन, इसको मैं कस्टम कर सकता हूँ टेक्स्ट को, इसके कलर्स को चेंज किया जा सकता है, इस तरह आप इसको सेव कर सकते हैं। जैसे हम इसको मैं ओके पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मुझे एक क्रोम शो करेगा, इसको मैं ऐड ऑटोमेटिकली कर देता हूँ, जिसके बाद ये इसका एक ऑटोमेटिकली। अब हम जैसे ही इसकी बैक होम स्क्रीन पे आते हैं, आपको यहाँ पे ऐप्स के अंदर एक वो ऐप शो हो रही होगी जो भी हमने क्रिएट किया है। ये देखिए नीचे आपको क्रोम के नाम से एक शो हो रही है। अब जैसे मैं इसको ओपन करूँगा, इसके अंदर वो लिंक ऐड हो गया है जिसके थ्रू हम इसको सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट ऐप्स ने ऑप्शन दे दिए कि आप किस क्रोम के ज़रिए ओपन करना चाहते हैं, यूसी ब्राउज़र के ज़रिए। सपोज़ मैं इसको यूसी ब्राउज़र से ऑन कर लेता हूँ, हालांकि मैंने पहले इसको क्रोम पे ओपन किया हुआ था, लेकिन अब आप देख सकते हैं ऊपर अब यूसी ब्राउज़र का लिंक आ गया है। उसके अंदर सेम साइट आपके सामने वो ओपन हो जाएगी जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। अब आप इसको यहाँ से किसी भी अपने ब्राउज़र के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब ये आपके एक ऐप के आइकन की तरह आपके सामने शो होगा, इसको आप कहीं पे भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और इसको रख सकते हैं। आई होप आपको ये ऐप पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर भेजें, ताकि मैं उसके मुताबिक एक आगे अच्छी से अच्छी आपके लिए ऐप्स ला सकूँ। थैंक यू।